सरकार की जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बिल के प्रावधानों को राज्य के विकास के लिए लाभदायक बताते हुए गृहमंत्री ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और बताया कि मोदी सरकार का फैसला संविधान सम्मत था, जिसे संविधान पीठ ने भी स्वीकार किया है। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों बिल एक साथ सदन के पटल पर चर्चा के लिए रखा। देर शाम दोनों बिलों को राज्यसभा से पारित करवा लिया गया। बिल भी पास, दोज इन फेवर बिल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट बिल प्लीज से नो। आई थिंक द आइज हैव इट। बिल पर हुई चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मनसा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थाई प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बिल के प्रावधानों को देखें तो कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 कानून के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 107 से 114 हो जाएगी। विस्थापितों के लिए कश्मीर में दो सीटें आरक्षित होंगी, एक सीट पीओके से विस्थापित को दी जाएगी। कश्मीर में प्रवासियों को दी जाने वाली दो सीटों में से एक महिला को अनिवार्य तौर पर शामिल किया जाएगा। जम्मू के कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, सांबा, डोडा और उधमपुर में एक एक सीट को बढ़ाया गया है। कश्मीर की बात करें तो कुपवाड़ा जिले में एक सीट बढ़ी है, यहाँ पहले से 5 सीटें थी जो अब बढ़कर 6 हो जाएंगी। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का था। माननीय कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी, 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना। वही जम्मू कश्मीर आरक्षण अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। इसके साथ ही ऐसे पिछड़े स्टूडेंट्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलेगा। दोनों विधेयकों पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिल में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित न्यायपूर्ण न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई, पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल हो और वहां पर 2024 से पहले चुनाव संपन्न कराया जाए। कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेट्यूट दिया जाए और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बोलते हुए डीएमके के सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा बिल को असंवैधानिक कहे जाने पर सदन में तीखा विरोध हुआ और सभापति ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके के बयान सदन में नहीं दे सकते। गौरतलब है कि ये दोनों बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू